मास एटिक्स आज के इस वीडियो में हम बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन के आप नोट्स ऐड करिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन होइए। एंड हाँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ से आप शेयर करके वहाँ से आंसर आपको तुरंत मिल जाएगी। सो हमें आपको इसमें 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपको डेली बेसिस पे मैं आपको कंप्लीट कराते जाऊंगी। सो आपको वीडियो सारे चैनल पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप वीडियोस को कंप्लीट करिएगा डेली बेसिस पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल सडन नोटिफिकेशन एंड इस वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन कंसीडरेशन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीडरेशन एज कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड अनलॉफुल गिव इलस्ट्रेशन। विचार को परिभाषित कीजिए, किन परिस्थितियों में किसी अनुबंध का उद्देश्य या विचार गैर कानूनी माना जाता है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, व्हाट इज वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्यूज बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताना है कि शून्य एवं शून्यकरण अनुबंध क्या होता है, शून्य और शून्यकरण अनुबंध के बीच क्या क्या अंतर होते हैं या क्या क्या मध्य सम्मिलित होते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। एंड आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आपका 2022, 23 एंड 24 में भी जो पेपर हो रहे हैं उसमें आपके ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, व्हाट इज क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट 1872 इन क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना है कि अर्ध अनुबंध क्या होता है। अर्ध अनुबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधानों पर चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए। आपको इसके अंडर एक्ट बताना है। सो आप जब इसका आंसर लिखिएगा, अगर आप अर्ध अनुबंध का भी आशय लिख रहे होंगे तो आप पहले भारतीय प्रावधान के बारे में लिखेगा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार आपको अर्ध अनुबंध का आशय उसमें अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप राइटर के अनुसार लिखिएगा, फिर आप इसके पे प्रावधान के बारे में एक्सप्लेन करेगा। हेडिंग वाइज लिखे या पॉइंट वाइज कंप्लीट करके उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ये आपके पूरे आंसर को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है, व्हाट डू वी मीन बाय टेंडर, व्हाट आर द रिक्वायर्ड सिटीज ऑफ वैलिड टेंडर। निविदा से आप क्या समझते हैं, वैध निविदा से आपको आवश्यक शहर में कौन कौन से टेंडर पास किए जाते हैं, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका टेंडर क्या होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट डू मीन बाय बेलमेंट एंड बैली, व्हाट आर द वेरियस ड्यूटी ऑफ बेलमेंट एंड बैली के बारे में बतानी है। और हाँ, आपको मैं बता देती हूँ कि बेलमेंट के बारे में हमेशा एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या तो आपका शॉर्ट में आएगा या वेरी शॉर्ट या लॉन्ग, तीनों में आपका पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज वाइड एग्रीमेंट के बारे में बताना है एंड एग्रीमेंट के बारे में बताना है कि समझौता क्या होता है, शून्य समझौता के बारे में एक्सप्लेन करना है। और हाँ, इसमें आपका शॉर्ट आंसर बन जाएगा, जैसे कि समझौता क्या है, कौन कौन से समझौता वैलिड होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करिए कि कौन कौन से समझौता आपके अधिकृत होते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार, उसके बारे में आप बताइए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाई गारंटी, हाउ डू यू क्लासीफाई योर गारंटी, गिव द स्विस्टिच एग्जाम्पल। गारंटी से आप क्या समझते हैं, गारंटी के वर्गीकरण कैसे करते हैं, इसका उपयुक्त उदाहरण के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। सो गारंटी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका 2022 और 23 में सारे क्वेश्चन पेपर में आपका गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और हाँ, आपको मैं बता देती हूँ कि मैं 2-3 मॉडल पेपर्स भी आपको एनालाइज कराने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है। एंड हाँ, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हो, तो उसी के हिसाब से आपको मैं आपका पेपर पैटर्न एनालाइज कराऊंगी। सो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर द डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइंड, अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षति का निर्धारण कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन करके। तो इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका अनुबंध का उल्लंघन क्या होता है, या आपका लॉन्ग और शॉर्ट में हमेशा पूछता है कि अनुबंध का उल्लंघन क्या होता है, उसके बारे में आप बताइए। सो आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अगर नहीं आएगा तो टेलीग्राम में वहाँ पे क्वेश्चन शेयर करिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। एंड हाँ, इसका पार्ट 2 का वीडियो का लिंक आपको
इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप तो वैसे आप चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।